शादी सीजन ना इज ऑल अराउंड द कॉर्नर और सैलून पे जाके स्किन पॉलिश फेशियल वगैरह कराना इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो ये सारी चीज़ें हम घर पे क्यों ना करें। और अगर आपको अपने सैलून में कोई अच्छा सा स्किन पॉलिश करना है अपने क्लाइंट्स को जो कि आपकी तारीफ करें बहुत ज़्यादा, तो ये वाला वीडियो एंड तक देखना। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सबको पता है कि शादी सीज़न जो है वो आ चुका है, सैलून पे रश भी भाई बढ़ती जा रही है, स्किन पॉलिश फेशियल्स ब्लीचिंग वगैरह करवाने के लिए हम सब सैलून जाते हैं। तो घर में किस तरह से वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं बड़ी ही ईजीली, और अगर आप होम बेस्ड सैलून ऑनर हैं तो फिर आप घर पे किस तरह का फेशियल या स्किन पॉलिश रख सकते हो वो भी मैं बताऊंगी आपको। इस वीडियो को एंड तक देखना डिटेल के साथ। ओके जी, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने अक्सर सैलून में डिफरेंट टाइप्स के ना फेशियल्स स्किन पॉलिशेस देखे होंगे, उन सब के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आपको मिलते हैं, घर पे वैसे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। तो जब हम सैलून जाते हैं ना तो मुख्तलिफ डिब्बियाँ पड़ी होती हैं, उनके से सारे सेटअप बना होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ना एक डर्माकोस का भी फेशियल होता है अक्सर, मैंने तो बहुत देखा है। तो डर्माकोस का एक तो फेशियल आपको अफोर्डेबल भी मिलता है, उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब ऐसे रिजल्ट्स होते हैं आपकी स्किन को जो है ना वो डैमेज भी नहीं करते और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आज मैं आपको इसी डर्माकोस के फेशियल किट से किस तरह से आप स्किन पॉलिश कर सकते हैं वो बताने वाली हूँ, और ये सैलून में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, ये प्रोफेशनली यूज़ होता है। और अगर आपको ये वाला फेशियल बाय करना है तो यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी कॉस्मेटिक शॉप, आपको इजीली मिल जाएगा, वरना अदरवाइज मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से बाय कर लें। दिस इज़ हाउ आई मेक माई स्किन पॉलिश पेस्ट। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना हो सकता है इख्तलाफ करें मेरे इस तरीके कार से, लेकिन मैं जब स्किन पॉलिश करती हूँ अपने किसी क्लाइंट पे अपने किसी कस्टमर पे ना तो इसी तरह से ही करती हूँ। डर्माकोस में ना आपको ब्लीचिंग का ऑप्शन मिलता है, आपको डिफरेंट मतलब ऑप्शन नहीं मिलते, लेकिन आप इसी ही प्रोडक्ट्स के साथ स्किन पॉलिश कैसे करोगे वो मैं आपको बता रही हूँ आज। तो ये मेरा अपना ज़ाती मेथड है, आप अपने सैलून में भी इसको यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि कभी भी फेशियल स्किन पॉलिशेस वगैरह आपने उसी दिन नहीं करवाने जिस दिन आपने नेक्स्ट डे मेकअप करवाना है, या उसी दिन मेकअप करवाना है आप उसी दिन सारी चीज़ें करवा रहे हो, तो हमेशा ये जो सारी चीज़ें हैं कम अज़ कम एक दो दिन के गैप से करवाया करें। यानी अगर आपकी शादी 10 तारीख को है मिसाल के तौर पर, तो आपने ये चीज़ें 8 तारीख को करवा देनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है आपके रिजल्ट वगैरह जो है ना वो ज़्यादा जो निखर के बाहर आते हैं। कॉन्सेप्ट है, मिथ है, आप जो भी समझ लो है कि फेशियल का रिजल्ट स्किन पॉलिश का रिजल्ट उसी टाइम नहीं आता, बल्कि आराम आराम से ऐसे हंसते वो एक दो दिन के अंदर नज़र आता है आपको। सैलून में आपने सब बहुत सुना होगा और ऐसा होता भी है, समटाइम्स आप उसी वक्त करवाते हो और आपको वैसा रिजल्ट्स नहीं नज़र आते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, तो वो रिजल्ट आपको बाद में दिखाई देते हैं जब आप मेकअप वगैरह करवाते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन नीट होनी चाहिए। अगर आप ब्राइट टू बी हैं फिर तो आप ये सारी सर्विसेज बहुत पहले ले लो, मतलब एक दो दिन तीन चार दिन पहले ले लो एंड देन अपना मेकअप करवाओ, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट आपकी स्किन को डैमेज करेगी तो एटलीस्ट आप उसका कुछ ना कुछ करोगे, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन लेफ्ट नहीं होगा। चले फिर बनाते हैं अपने उस सीक्रेट से स्किन पॉलिश को जो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा इन जस्ट 15 मिनट्स। तो आपने किस तरह के बॉल्स के अंदर अपने इस पेस्ट को पुट करना है, ये ब्लीचिंग करें स्किन पॉलिश करें, कभी भी आपने जो ना वो स्टील के मेटल आयरन के बर्तन नहीं लेने, उसमें से आपका सारा जो है ना वो पावर जो ब्लीचिंग का होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा कांच के बर्तन लें या फिर प्लास्टिक का लें एंड उससे जो है ना काफ़ी आपके ब्लीच का जो असर है वो ज़्यादा होता है, स्किन पॉलिश का असर ज़्यादा होता है। ये बारहा मैं अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें जी। तो बनाते हैं अपना स्किन पॉलिश का ये बहुत ही अमेजिंग साइक पेस्ट। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ होगा, स्टेप होगा, वो होगा जी फेशियल ब्लॉन्ड एक्टिवेटर। सो क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करती है आपके यूजेज पे कि आपने कितना इसको यूज़ करना है, कितने फेसेस पे यूज़ करना है। अब तकरीबन दो फेसेस के लिए या एक फेस और हाथों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आपने तकरीबन इतनी सी क्वांटिटी लेनी है, जैसे आधा चम्मच आपने लिया, ठीक है। सो ये है क्रीम ब्लीच, इसका नाम है जी फेशियल ब्लॉन्ड एक्टिवेटर। बहुत ज़्यादा लोगों को डर्माकोस के जो प्रोडक्ट है उनके नाम समझ नहीं आते, उसमें कन्फ्यूजन रहती है, तो ये हार्मलेस है। एक बात मैं आपको बता दूं, अक्सर ब्लीच जो है वो आपके फेस के बालों को गोल्डन कर देता है, तो ये बालों को गोल्डन नहीं करता बल्कि आपकी स्किन को ग्लो देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे फेशियल ब्लॉन्ड ब्राइटनर।
अगर सिंपलीफाई करूँ इस बात को तो ये है जी ब्लीच पाउडर। सो यहाँ पे मैं ये इसके लिड को मैंने ऊपर किया है एंड देन यहाँ से एक स्पून निकाला है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कितनी क्वांटिटी एग्जैक्टली मैं इसके अंदर पुट कर रही हूँ। एक बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि जितना आप पाउडर ब्लीच का कम यूज़ करोगे उतना ही आपकी स्किन पे कम जो है वो डैमेजिंग वाले असर होंगे, क्योंकि जितना पाउडर डालोगे उतना आपकी स्किन वो जलेगी, तो कम ही करो। अच्छा वैसे पर्सनली मैं इस चीज़ों को रिकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत लोग ये चीज़ें करते हैं तो मैं उनकी आसानी के लिए ये बता रही हूँ। तो मैंने 2 चम्मच छोटे वाले जो इसमें था वो डाले हैं ब्लीच पाउडर के। अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो इससे भी कम क्वांटिटी ले सकते हो। अब ये जो है ना डर्माकोस की बहुत ही सिंपल सी ब्लीच है, आप इन दोनों प्रोडक्ट को मिलाओ और ब्लीच करो, ठीक है। मतलब मैं आपको 2 चीज़ें बता रही हूँ, एक स्किन पॉलिश भी और ब्लीच करने का तरीका भी। तो अगर आपके पास बाकी चीज़ें नहीं है, अगर ये दोनों हैं तो आप सिंपली इन दोनों का पेस्ट बना के अपने फेस पर लगा लो, आपका ब्लीच जो है वो क्रीम रेडी हो जाएगा। अब जो हमारा 3rd प्रोडक्ट है जो इसके अंदर जाएगा वो है ग्रे लोशन। ग्रे लोशन जो है आप समझ लें एक सूदिंग लोशन की तरह काम करेगा। बहुत लोगों को इचिंग होती है ब्लीचिंग करवाने के बाद या ब्लीचिंग करवाने के वक्त, स्किन पॉलिश करवाने के वक्त, तो आप इसके अंदर डालोगे तकरीबन वही हिसाब कि थोड़ा सा आप इसके अंदर ग्रे लोशन डालोगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा इचिंग होती है तो थोड़ा ज़्यादा डाल देना। अब जो हमारा एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देगा वो है जी ये ऑक्सीजन स्किन ग्लोस। ये ज़्यादातर यूज़ होता है लास्ट स्टेप में, जब आपका पूरा फेशियल हो जाता है ना तब हम ये लगाते हैं फेस पे आपकी स्किन को ग्लोस देने के लिए। तो इसके भी तकरीबन 2 चम्मच जितना मैंने क्वांटिटी ली है और ब्लीच के अंदर ऐड कर दी है। ये स्किन पॉलिश का हम पेस्ट बना रहे हैं, नॉट सिंपल ब्लीच। अब सैलून्स में अक्सर बेबी पाउडर भी यूज़ किया जाता है, तो आप बेबी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर ताकि आपकी स्किन को ज़्यादा जो है ना वो इचिंग ना हो, जले ना आपकी स्किन। 5वां जो प्रोडक्ट इसके अंदर जाएगा वो है टोनर। ये मेरा अपना एक मेथड है, मैं टोनर भी इसके अंदर ऐड करती हूँ इसका पेस्ट बिल्कुल थिन बनाने के लिए। बहुत ही थिक टेक्सचर जो होता है वो नहीं करती, मैं बिल्कुल थिन सा पेस्ट लगाती हूँ फेस पे। तो आप टोनर की क्वांटिटी अगर ज़्यादा डालोगे तो वो थिन हो जाएगा, थोड़ा सा डालोगे तो स्किन को ये टोन कर देता है, अच्छा रहता है स्किन के लिए। अदरवाइज़ आप इसको ना भी डालो तो कोई मसला नहीं। अब हम इसे आराम से सारे के सारे को मिक्स करेंगे। और एक बार मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपने ब्लीच को इसे रख नहीं देना, आपने अपने फेस पे फौरन इसको मिक्स करने के बाद अप्लाई कर देना है। अगर आप इसको रख दोगे तो वो फिर उसकी वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे बल्कि डैमेज हो जाएगा आपकी स्किन के लिए। तो आपने इसको बिल्कुल एक जान कर देना है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है एंड देन आपने अपने इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। अब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा रैशेस पड़ जाते हैं ब्लीचिंग करवाने की वजह से, तो पहले फिर जो है ना आप तो कोई सूदिंग लोशन जैसे ग्रे लोशन था वो आप अपने फेस पे लगाओगे, देन ब्लीचिंग करोगे, देन कोई इस तरह का पेस्ट वगैरह आप यूज़ करोगे, फिर इससे ये होगा कि आपकी स्किन के लिए थोड़ा सा आरामदायक होगा। अब आपने इसको कितनी देर तक लगाना है, 15 मिनट लगा लें एंड देन नॉर्मल वाटर के साथ जो है अपना फेस वॉश कर लो, और उसके बाद भी ग्रे लोशन वगैरह लगा लो, एलोवेरा जेल लगा लो, स्किन को काफ़ी सूदिंग फील होगा। जब बहुत ज़्यादा लोगों के पास ये फेशियल किट होता है लेकिन उनको ये यूज़ करना नहीं आता तो ये उनके लिए भी है, और अगर आप एक सैलून ओनर हो या आप स्टार्टअप हो सैलून का देन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और अगर आप नॉर्मली घर में कोई ब्लीच करना चाहते हो तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं उस पर, तो आप वो वाला देख लेना। हमारा स्किन पॉलिश हो चुका है बिल्कुल रेडी और बस आपने अब इसको अप्लाई करना है और आपको रिजल्ट छक्का से मिल जाएंगे। ओके, अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप इसे हाथों पैरों में भी लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको यही कहूँगी कि कभी भी स्किन पे ब्लीच ना करवाया करें, हाथों पैरों पे चले करवा लें, कोई बात नहीं। फेस की स्किन जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है हाथों पैरों की निस्बत। तो अब जो है आपने इसको अपवर्ड डायरेक्शन वाली स्ट्रोक्स में अप्लाई करना है ब्लीच को, ठीक है, फिर ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वो जो स्ट्रोक्स होते हैं, वो जो अप्लाई करने का एक तरीका होता है, वो भी काफ़ी मैटर करता है। तो इस तरह से मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। बहुत ही थिन सा पेस्ट है, वो थिक नहीं है, आप इसको थिक भी कर सकते हो। आप पाउडर और क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, जो हमने ग्लॉस डाला है और टोनर डाला है वो क्वांटिटी कम कर दो तो आपका थिक पेस्ट बनेगा। जस्ट इसे आप 15 मिनट रखो, 20 मिनट रखो एंड देन यू आर गुड टू गो। टडा, ये देखें जनाब रिजल्ट्स आ चुके हैं। मेरी कज़न ने बहुत ही कम टाइम के लिए इसे रखा था हाथ में लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। आई होप आपका आज का वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, कुछ ना कुछ ज़रूर करना। बस अपना ख्याल रखना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।